वेलकम टू वन्नबी स्टार किड, मैं हूं अमर। सो गाइस, ये पार्ट टू है मूफाड़ वर्सेस कृष्णा। इससे पहले मूफाड़ का कर चुका हूं, एंड डोंट वरी, मैं सीक्वेंस वाइज रिएक्शन रिव्यूज कर रहा हूं ताकि आप लोग को भी प्रॉब्लम ना हो और मुझे भी प्रॉब्लम ना हो। टाइटल में मैं लिख दूंगा ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है। अगर आप ये पूरा बीफ गेम मेरा देखना चाहते हैं तो मैं एक प्ले लिस्ट बना दूंगा, वहां पे जाके सारे देख लेना। तो फटाफट से गाना स्टार्ट करते हैं, मैं वेट नहीं कर पाऊँ बिकॉज ये कृष्णा का है। तो फटाफट से गाना देखते हैं, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। ओके। और आप लोग ने जैसे बोला था कि मूफाड़ वर्सेस कृष्णा इज लिरिकली जीनियस बीफ गेम, मूफाड़ का जैसे मैंने सुना लास्ट सॉन्ग बहुत अच्छा उसने लिरिक्स लिखा है। एंड अब कृष्णा की बारी, मुझे पता है इसके बारे में तो क्या ही बोलूं मैं। गुड, मुझे कृष्णा की एक चीज अच्छी लगती है कि वो अपने मतलब जो भी सॉन्ग्स हो ना लिरिक्स नीचे लिखता है, बिकॉज मूफाड़ का मुझे समझ में आया क्या है, बट मेरे को ना लिरिक्स के साथ ज्यादा मजा आता है सुनने में, हर एक चीज प्रॉपर क्लियर हो जाती है। अभी मैं वापस पीछे कर रहा हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। 14 साल मेरी उम्र थी, हाँ पता चला मेरी लिखाई में हुनर थी, हाँ इतनी बार मेरे सपनों को कुचल दिया, पर गानों से जलाई मैंने कुछ अर्थियाँ, हसल किया मैंने काम नहीं रोका, मुझे कितनों ने बोला तेरा काम नहीं होगा, पर आज ऐसा कोई नाम नहीं होगा जिसने सुना मेरा काम और सलाम नहीं ठोका लाया बार। मैं तो कभी डरा नहीं, कभी भागा नहीं, कभी हटा नहीं पीछे। ओके शिट गाइस, जब मैंने चुसंबा सुना था तो एमवे ने बोला था ना, मैं तो डरा नहीं कभी बीफ से, लौड़े कुल्फा करा दूंगा, समथिंग ही सेड एमवे ने बोला था। तो इस गाने में कृष्णा ने बोला था कि मैं तो कभी नहीं डरा बीफ से। अच्छा, अरे अरे यार, मेरे को ना लिटरली सारे के सारे डिस्ट्रैक्ट सुनने पड़ेंगे जो भी DHH में और जो भी ये जो रैपर्स लड़ते रहते हैं टॉप रैपर्स, बिकॉज ये ना इन लोग के जब डिस होता है, जब बीफ होती है तो ये लोग पुरानी बातें छेड़ते हैं और मुझे नहीं पता होता, तो चुसंबा में मैं कोरिलेट नहीं कर पाया। आई शुड हैव डन दिस लॉन्ग बैक मैन। चल कोई बात नहीं, देर हूँ बट एटलीस्ट कर तो रहा हूँ ना, सिर्फ आपकी वजह से। थैंक यू गाइस। टोका मुझे कितनों ने बोला तेरा काम नहीं होगा, पर आज ऐसा कोई नाम नहीं होगा जिसने सुना मेरा काम और सलाम नहीं ठोका लाया बार्स। मैं तो कभी डरा नहीं बीफ से, कभी भागा नहीं, कभी हटा नहीं पीछे। हाँ, ये बोले ये लाएंगे गैंग, मैं बोलूं भाई लान दो जैसे एनरिके। सुनी मैंने भी लोगों की बकवास, वो जो करे 10 बात पर कभी ना सच बात। जाता था मैं स्कूल हाँ लेके बस पास, अब जात में भी बैठू कभी कभी बस क्लास। जज्बात के काबू में हाँ, जब मेरे गाने चलाए नी डीजे वाले बाबू ने। हाँ, गुड़गावा कट्टा बाजू में। हाँ, थोड़े समझ इसलिए रोक रहा हूँ बिकॉज जब लास्ट सॉन्ग मैंने मूफाड़ का जहाँ से डिस गेम स्टार्ट हुआ था, हैप्पी दिवाला रावण जो उसका सॉन्ग था, वो मेरे को एंटरटेनिंग गाना लगा, जैसे चुसंबा एंटरटेनिंग था। सीरियस नहीं बोल सकते उसको, ये सीरियस है। अब इसके बाद आई थिंक मूफाड़ जो लाएगा रिप्लाई में वो सीरियस गेम स्टार्ट हो जाएगी, है ना। परेशानी हुई इन्हें मुझे देख के, सोचा नहीं इतने लोग भी यहाँ फेक थे, अब देख के करेंगे मुझे हेट, ये पर देता नहीं फक जैसे बंदी पहले डेट पे। हेडस्ट्रॉन्ग मेरा विल नहीं तोड़ा, मैंने चिल में जलाई कोई मिला नहीं बोला। हाँ, कृष्णा कभी किल नहीं होगा, आई एम मैरिड टू द गेम, उसका दिल नहीं तोड़ा। आई स्वेयर मैं गहरी नींद नहीं सोया, मैंने रखा विश्वास अपना दीन नहीं खोया। आई स्वेयर इन्हें चाहिए उस पेड़ का फल जिस पेड़ का सालों ने कभी बीज नहीं बोया। आई स्वेयर सुना मैंने मुझसे ये बात, जाते बात कर लोड़ू कभी घर से दोबारा के, इनकी जली बनना पाए परिवार वाले, सुनहरे रंग के जल परिवार वाले। What? एक सेकेंड। इनकी जली बनना पाए परिवार वाले, सुनहरे रंग के जल, सुनहरे रंग के जल परी बाल वाले। ओके ऑल राइट। अब जब मैंने लास्ट सॉन्ग सुना था मूफाड़ का, उसमें उसके वो वैसे ही टिकटॉक वालों जैसे, मतलब मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि टिकटॉक वाले जैसे उसने हेयर स्टाइल कर रखे हैं गोल्डन, और मेरे को तो आमिर सिद्दीकी लगा था बैक से, मैंने उस वीडियो में बोला था। कृष्णा took दैट पॉइंट एज वेल कि सुनहरे रंग वाले जल परी बाल वाले।
गॉड मैन। चाहिए उस पेड़ का फल जिस पेड़ का सालों ने कभी बीज नहीं बोया। आई स्वेयर सुना मैंने मुझसे ये बात, जाते बात कर लोडू कभी घर से दोबारा के। इनकी जली बनना पाए परिवार वाले, सुनहरे रंग के जल परिवार वाले। मेरी तरफ बेच सब तू, पर बात करूं तेरा सब मैं कोई लड़का नहीं हल्का, मैं लड़का निकल का, मैं लड़का जो पड़ा भारी 12 वर्ष से। देखो 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 भागे डर से, देखो 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 वहाँ के तरस से। जब 2009 में कर रहा था क्लब शो में, तब तो बताओ भाई आप किधर थे। मैं ही वो जिसने सब चला डाला, कब्रिस्तान में तेरा मकबरा डाला। रैपिंग का तूने हक गवा डाला, मैंने हिंदुस्तान में फिर से बस बना डाला। हिप हॉप में आ रहा था भग भगा डाला, हिप हॉप में आ रहा था भग भगा डाला, हिप हॉप में आ रहा था भग भगा डाला। यूट्यूब को मैंने पॉन हब बना डाला। अरे बाप रे, क्या लिखता है यार ये कृष्णा। डू आई नो वंडर हिज फैंस आर सो इनटू कृष्णा। अबे क्या लिखता है ये। और ये हिप हॉप में आया था भग भगा डाला, आई थिंक ये रेफरेंस उसका है गिरफ्तार, जब एमयूए ने रफ्तार को डिस किया था, हिप हॉप में आया था भग भगा डाला, ऐसा ही सेड समथिंग। उसके बाद जो ये बोलता है रैपिंग को मैंने पॉन हब बना डाला, अरे यार भग भगा डाला, मैंने हिंदुस्तान में फिर से बस बना डाला। हिप हॉप में आ रहा था भग भगा डाला, हिप हॉप में आ रहा था भग भगा डाला, हिप हॉप में आ रहा था भग भगा डाला। यूट्यूब को मैंने पॉन हब, यूट्यूब को मैंने पॉन हब बना डाला, अरे बाप रे, बिकॉज ही ले ही जा रहा है सबकी है। तूने हक गवा डाला, मैंने हिंदुस्तान में फिर से बस बना डाला। हिप हॉप में आ रहा था भग भगा डाला, हिप हॉप में आ रहा था भग भगा डाला, हिप हॉप में आ रहा था भग भगा डाला। यूट्यूब को मैंने पॉन हब बना डाला। कौन आया वापस अब, छोटे कलम करना जाया कागज अब, मेरे जैसे बनना पाया गायक, जल लाया पाया जैसे लाया राइट अब। Why you quiet? Talk a little bit more. I'm from the land of the militant wars. Wow. I'm under raised, I'm a killer with balls. But you're missing the point like the pyramids are. Fuck jodi kare kabhi rap na kare, jinki ego itni badi follow back na kare. Backstab kare kabhi tag na kare, isiliye inke saath sahi adab na kare. Laya main fire jaise shabana aaz. अरे यार, मुझे इसलिए डिस गेम में बहुत मजा आता है, बिकॉज उस सॉन्ग में मूफाड़ ने क्या बोला था, ये सारे सैया सिर्फ डैब कर ही जा रहे हैं, है ना, राइट, जो उसमें था। तो इसने भी ताक ताक, तभी तेरे को सैया ने तेरे को डैब करने नहीं बुलाया, ऐसा ही कुछ था, है ना। आई थिंक इसको नहीं लिया गैंग मेंबर या टीम में, व्हाटएवर, ऐसा ही कुछ है। डैब करे कभी टैग ना करे, इसीलिए इनके साथ सैया डैब ना करे। लाया मैं फायर जैसे शबाना आजमी, इसीलिए गाने सुन के चले सारे आदमी। कृष्णा था यहां बेटा तुमसे पहले, और कृष्णा होगा या तुम्हारे बाद भी। अरे यार, व्हाट अ सॉन्ग मैन, भाई फायर है कृष्णा मैन। बिकॉज मेरे को मूफाड़ का जो फर्स्ट ट्रैक लगा था वो इतना मतलब सीरियस नहीं लगा, इट वॉज काइंड ऑफ एन एंटरटेनिंग सॉन्ग। दो उसमें वर्सेस बहुत अच्छे थे, और ये दोनों लिरिकली जीनियस रैपर्स हैं, तो ये और मुझे मजा आने वाला है। अभी तक सिर्फ 2 गानों का किया है मैंने, अभी 10 गाने और बचे हैं इस बीफ गेम में, तो बने रहिए मेरे साथ। प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा, जाके देख लेना अगर आपको देखना है तो। उसने भी प्यार बरसाना यार, मुझे बहुत मजा आ रहा है अभी तक तो। अब से रैपिंग गेम मतलब बीफ गेम सीरियस हो जाएगी, बिकॉज अब मूफाड़ सीरियस ट्रैक लेके आएगा। एंड देन आपको पता है क्या आने वाला है सीरीज में, महारानी और माँ कसम, जिनको बहुत लोग मतलब माँ कसम को तो वन ऑफ द बेस्ट डिस ट्रैक्स बोलते हैं, बट यार मतलब पता नहीं मुझे सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी या नहीं, बट मैंने नहीं सुना। बट मैं इसलिए नहीं सुना बिकॉज मेरे को रिकॉर्डिंग के टाइम पे सुनना था, और 2-3 दिन के बाद मतलब जब भी मैं डालूंगा मैं सुन ही लूँगा अभी, क्योंकि थोड़ा आगे है मारा मतलब माँ कसम थोड़ा अभी बाद में आएगा, क्योंकि उससे पहले बहुत ही मतलब ज़बरदस्त गाने आने वाले हैं, राइट। कृष्णा एज ऑलवेज लिट ऑन बीट, ही इज फायर ऑन बीट, ऑन ही जंगार ऑन बीट। इसके लिरिक्स एंड वर्स बहुत मजेदार है। अब आई वॉन्ट टू सी कि मूफाड़ क्या रिप्लाई देता है, है ना, अब क्या रिप्लाई देता है, लेट्स सी। बिकॉज अब मुझे चुसंबा ट्रैक प्रॉपरली क्लियरली ही समझ में आएगा, क्लियरली समझ में आएगा मुझे चुसंबा ट्रैक। तो बस गाइज, ये था मेरा रिएक्शन रिव्यू। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियोज लाता रहूंगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अनटिल देन बाय।